किसी ने खूब लिखा है कि आत्मनिर्भर व्यक्ति के व्यक्तित्व की चमक एक उगते हुए सूरज के समान होती है, जो दुनिया को उजाले के साथ साथ शीतलता भी प्रदान करता है। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों को 73वें गणतंत्र दिवस पर चरितार्थ किया है भंजालबाड़ के जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने। युवा शक्ति पराक्रम के बैनर तले गणतंत्र दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और एक नन्ही बालिका के हाथों तिरंगा फहराकर संदेश दिया कि बेटियां अनमोल हैं, और इस बात को नारे तक सीमित न रखकर व्यवहारिक रूप देने को कहा। इसके अलावा उन्होंने गणतंत्र दिवस का महत्व बताते हुए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही इस पावन दिन को यादगार बनाने हेतु स्वावलंबन योजना के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों को 10 व्हील चेयर प्रदान की। इसके अलावा YSP बैनर के तले 5 ग्राम पंचायतों को जिम प्रदान किए। चैतन्य शर्मा ने बताया कि जिला परिषद बाढ़ बंजाल के अंतर्गत आते हर गांव के पंचायत घर अथवा सहकारी सभा के प्रांगण में सीमेंटेड बेंच लगवा दिए हैं, ताकि लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर बैठने में दिक्कत ना आए, और इस अभियान को भविष्य में और बढ़ाया जाएगा। चैतन्य शर्मा ने बताया कि उन्होंने एक वर्ष के कार्यकाल में अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए अधिकतर वायदों को पूरा कर दिया है, साथ ही लगातार जनसेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में जनसेवा के एजेंडे को लेकर आए हैं और आने वाले समय में गगरेट विस क्षेत्र में जनता के सहयोग से विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, आप सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से और मेरी YSP की टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जैसे हमारा जिला परिषद का एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, इसी के अंतर्गत जो हमने पिछले 4-5 दिन में अपने कुछ अभियान चलाए हैं, उसमें हमने 5 दिन जिम अपने गगरेट विधानसभा के वार्ड नंबर 17 में दिए हैं, और साथ साथ हमने बेंचेस का भी हमने एक अभियान चलाया था, जो हमने जितनी व्यापारी पंचायतों में जो हमारी सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर अभी हमने अपनी बेंचेस को प्लेस करा है। आगे आने वाले टाइम में हम और भी बेंचेस को वहाँ पर लगाएंगे। 10 व्हीलचेयर का भी हमने आवंटन करा है, जो हमारे पास डिमांड आई थी, जो लोगों ने हमारे समक्ष अपने रखा था कि उनको व्हीलचेयर की जरूरत है, हमने उसका भी एक आज कार्यक्रम करके उसको पूरा करा है। और साथ ही साथ जिन लोगों के पेंडिंग वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम थे पेंशन के रिगार्डिंग, तो 10 लोगों को मेरे को आपको बताते हुए ये भी खुशी है कि 10 लोगों की हमने पेंशन भी सक्सेसफुली लगा दी है। तो इसी गणतंत्र दिवस पे मेरा जो यूथ है हमारे एरिया का, आप सभी से यही रिक्वेस्ट होगी, यही अनुरोध रहेगा कि जो हमारा देश का इतिहास है, जो हमारा हिस्ट्री है, आप उसके साथ जुड़ें, उसको समझें अच्छे से, उसको एक पूरा होलिस्टिक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारे रूट्स क्या हैं, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हम भविष्य की बात करते हैं, एक अच्छा उज्जवल फ्यूचर बनाने की बात करते हैं, वो हम तभी कर सकते हैं जब हम हिस्ट्री को जानते हों। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध रहेगा यूथ से कि इस 26 जनवरी को हम अपने जितने भी हमारे वीर जवान हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, 26 जनवरी का मतलब यही है कि हम इस दिन एक रिपब्लिक बनेंगे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जिसके माध्यम से हमारा जो देश की वर्किंग है, एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है, हम उसको समझें कि किस किस हिसाब से वो होता है। जो 2-3 हमने अभियान भी चलाए हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए चलाए हैं, तो इस पे फोकस करा जाए। आप सभी का सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ में हमारा जो एक साल पूरा हुआ है कार्यकाल का, मैं हमारी गगरेट विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 17 जिला परिषद क्षेत्र लोअर भंजाल के जितने भी हमारे निवासी हैं, मैं उनका तहे दिल से एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ, जो आपने हमें अपना कंटिन्यूड सपोर्ट दिया है, और जो आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और जो आपसे मेरे को सीखने को मिला है, जो आपकी ब्लेसिंग, जो आपकी शुभकामनाएं मेरे को मिली हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी हो गई, जरा घबार अंदर घूमने जो की हो जाएगी, नहीं लता बच्चा चल दिया, नहीं पैर चलते, 2-2.5 साल हो गए नहीं चल दिया लता, फड़ी फड़ी के नारियां अंदर था, फड़ी फड़ी के बाहर चला दिया। क्या हाल है? सर जी आप करो।
Thank you.